तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पूजा और बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद ये सब विसर्जन करने के लिए जाया जा रहा है, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है चौथी छुड़ाना। जी हाँ, हमारे यहाँ चौथी छुड़ाना बोला जाता है। आप यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो पूजा होने के बाद जो भी बची हुई सामग्री थी और जो शिवलिंग बनाया गया था रुद्राभिषेक के लिए, वो और पूरा पूजा सामग्री जो बच जाती है, उसको जो ठंडा किया जाता है, उसे हमारे यहाँ चौथी छुड़ाना कहते हैं। तो वही करने हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा होने के बाद ये सब सामान ले जाके बहाया जाएगा चौकी में। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम जाने वाले हैं वो है यहाँ से काफी दूर, तो वहाँ हम जाएंगे ऑटो से। तो ऑटो वाला आ चुका। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जिसमें शिवलिंग जी भोलेनाथ का जिसमें अभिषेक किया जाता है, भोलेनाथ जी है, उनको ले जा रहे हैं। उन्हें जा रहे हैं, एक बार जयकारा तो बोल दो। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो हर हर महादेव। सकते हैं भोलेनाथ का विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं अभी। हम आ गए हैं यहाँ पे नदी के पास शंकर जी को ठंडा करने के लिए। चल रहे हैं, देख सकते हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है।
है ना। एक ही बार आई थी जो चौथी बहाने आए थे बड़े मामा की, इसमें तब आई थी। पिछले साल कह रहे हैं ना, सब उसी चार जगह नहा रहे हैं, चार जगह कपड़ा नीचे करे रहे हैं। हाँ। हाँ। तो बुक कर रहे हैं 11 सुबह जैसे निकले। कितनी तेज धार चल रही है, बिछिया नदी है ना ये, कितनी तेज धार चल रही है देख सकते हैं। हमारे यहाँ की बिछिया नदी है और यहाँ पे आए हम लोग ठंडा करने के लिए सब लोग। और लोग अभी आ रहे हैं, हम लोग पहले आ गए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से विसर्जन किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। तो हम लोग के यहाँ जिस तरह से किया जाता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव, और आप लोग के यहाँ कैसे करते हैं वो भी कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। हम सब जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने की यहाँ पर बहुत सारी मस्ती और थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करवाए और अब जाएंगे वापस घर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सब लोग वहाँ से आ चुके हैं और आकर सब लोग बैठे हुए हैं, अभी पानी वानी पी रहे हैं और उसके बाद सब लोग जाएंगे नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही था, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक बाय।